जिलाधिकारी दफ्तर पर दिन भर हाई प्रोफाइल ड्रामा चला। दरअसल हाथ में शिकायती पत्र था, एक महिला पहुंची और उसने खड्डा तहसील में एसडीएम रहे दिनेश कुमार पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। महिला का आरोप था कि शादी का झांसा देकर 4 साल से एसडीएम साहब शारीरिक शोषण करते रहे। यही नहीं, महिला ने एसडीएम पर कई बार अबॉर्शन कराने का भी गंभीर आरोप लगाया। महिला ने कहा कि शादी का दबाव बनाने पर एसडीएम साहब ने बुरी तरह पिटाई भी की। कलेक्ट्रेट के एडीएम ऑफिस में यह फिल्मी ड्रामा दिन भर चलता रहा। अब चूंकि मामला साहब लोगों से जुड़ा था तो इस प्रकरण में डीएम एसडीएम सभी अधिकारी बंद कमरे में पीड़ित महिला को समझाते रहे, लेकिन महिला एसडीएम साहब से शादी करने पर अड़ी थी। अपने को बुरी तरह से फंसता देख एसडीएम शादी के लिए राजी हुए और देर रात पटौना नगर के गायत्री मंदिर में इनकी बकायदा शादी कराई गई। इस शादी के 2 अधिकारी गवाह भी बने। आपको बता दें कि पूर्व में खड्डा तहसील में तैनात रहे एसडीएम रहे दिनेश कुमार पर महिला ने शादी का झांसा देकर शोषण का गंभीर आरोप लगाया था। कुछ दिन पूर्व एसडीएम दिनेश कुमार का हापुड़ जिले में स्थानांतरण हुआ था, जिसके बाद वह ज्वाइन करने हापुड़ चले गए थे। आज वहां अपना सामान लेने आए तो साथ में रह रही महिला ने उन पर शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन जब साहब अपनी बात से मुकर गए तो महिला ने उनकी शिकायत करने का मन बना लिया, जिसके बाद महिला डीएम दफ्तर पहुंच गई, जहां पूरा दिन हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा और अंत में एसडीएम साहब को रात में 1:30 बजे अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरा लगाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के ग्राम बुढ़नपुर के रहने वाले दिनेश कुमार की पोस्टिंग कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील में उपजिलाधिकारी के पद पर थी। इनके जनपद की रहने वाली एक लड़की ने आज सुबह 10 बजे कुशीनगर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर एसडीएम दिनेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए एप्लीकेशन दी, जिसके बाद पूरे कलेक्ट्रेट में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। लड़की का कहना था कि इन्होंने लगातार 4 साल से शादी का झांसा देकर मेरा शारीरिक शोषण किया और अब शादी की बात कहने पर कहते हैं कि 50 लाख रुपए दहेज के रूप में दो, तभी शादी की जाएगी। लड़की के इस गंभीर आरोपों को देखते हुए डीएम से लेकर एसडीएम तक सबने लड़की को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लड़की शादी पर अड़ी रही। अपना गला फंसता देख एसडीएम दिनेश कुमार शादी को राजी तो हो गए। यह शादी रात में 1 बजे गायत्री मंदिर पटौना में हुई। शादी में गवाह के रूप में पटौना सदर एसडीएम रामकेश यादव व हाटा के एसडीएम प्रमोद तिवारी बने। इन दोनों अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति में इनका विवाह संपन्न कराया। गायत्री मंदिर पटौना के पुजारी सुरेश मिश्रा ने शादी संपन्न कराई। शादी होने के बाद पुजारी जी ने कहा कि यह खड्डा के एसडीएम थे जिनकी शादी अभी हुई है। इन दोनों में विवाह को लेकर कुछ हनबन थी। डीएम साहब और सब ने कहा है कि शादी करा दी जाए। अभी 1 बजे तक शादी संपन्न हो गई है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं, तो वही सर आ जाएंगे, ये देखते हैं आप क्या कहते हैं, उसके बाद खुद जो कहूँगी मैं खुद अपनी सारी सिचुएशन बताऊंगी। वो इसीलिए तो हम इतने दूर निकल के आए, कहते हैं जो है नवरात्र जिस दिन लगा उसके दिन से टर्डे हो गए थे, मुझे 1 रुपये नहीं दे के गए। मैं फोन की तो कह रहे हैं तुम्हारे खर्चा करने के 15,000 रुपये रख के आया। किसकी शादी अभी कराया आपने, कौन लोग? एसडीएम खड्डा है और उनकी शादी हम कराए हैं, और आपस में कुछ तालमेल था, गड़बड़ था, और सवेरे से पंचायत हो रही थी और सब लोग मिल करके यही डीएम साहब भी कहे कि नहीं वो शादी संपन्न कर दिया जाए, तो एक प्रमाण पत्र ले जा करके और वो रजिस्ट्रेशन वगैरह सब बकायदे किए हैं लोग, उसके बाद शादी कराए हैं। कितने बजे शादी हो रही, कितना टाइम लगा, कैसे क्या? 5 मिनट से लेकर के 5 घंटे तक शादी होती है, लेकिन 1.5 घंटे में शादी हो गई है। ये लोग आए फिर कैसे? ये लोग करीब 1 बजे के आसपास आए, और तुरंत हम सब सामान यहाँ रेडी था और तुरंत हम बैठ करके विवाह संस्कार शुरू कर दिए। पहले से बताया गया था? हाँ, पहले से बताया गया था, एसडीएम साहब सामान खरीद करके ले आए थे।